क्रैकेट के डेली करंट में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया, ठीक है? कौन सी सरकार ने? बिहार सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया। इसका काम क्या है? इसका काम है कि कोरोना से बचाव के उपाय बताएगा, जांच, उपचार और नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली बेडों की संख्या भी की जानकारी भी इस ऐप के द्वारा मिल जाएगी। तो आपको पता है कौन सा ऐप है ये? संजीवन ऐप किसने बनवाया? बिहार सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे में चलते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है आपका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज जो उमर अकबर थे उनका 3 साल का बैन था, उन पर 3 साल का बैन लगाया गया था, उस बैन को घटाकर 18 महीने का कर दिया गया, ठीक है। किस पर बैन था? उमर अकमल पर, और पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, रंगीन टीवी सेटों का आयात मुक्त श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया, ठीक है। इसका काम क्या है? सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो चीन या वियतनाम या अन्य जो देश थे वहाँ से टेलीविज़न का जो आयात है वो कम हो जाए और आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के तहत यहीं पर इन टीवी का निर्माण वगैरह किया जा सके, ठीक है। तो इनको किस में डाल दिया गया है? प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है टीवी सेटों के आयात को। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन चौथा है आपका, गूगल और फेसबुक समाचार सामग्री के लिए ऑस्ट्रेलिया में भुगतान करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में पहली बार फेसबुक और गूगल समाचार सामग्री के लिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया आउटलेट का भुगतान करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करने की तैयारी की है जो एक रॉयल्टी श्रेणी को अनिवार्य करेगी, ठीक है। उसके तहत क्या करेगा? गूगल और फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में समाचार के लिए भुगतान करेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन पांचवा है आपका, ताइवान प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ, ठीक है। ली तेंग हुई पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1996 से 2020, ठीक है। कार्यकाल कब तक था? 1996 से 2020। और इनका निधन हुआ है आपका 30 जुलाई यानी अभी कुछ दिन पहले 30 जुलाई 2020 को ताइपेई में 97 वर्ष की आयु 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कहाँ के ये राष्ट्रपति थे? ताइवान के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लास्ट छठवां क्वेश्चन, एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। एप्पल को तो सब लोग जानते ही होंगे, स्मार्टफोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उसका। ये एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी कैसे? तिमाही परिणाम पेश करने के बाद एप्पल के स्टॉक में 10% की, कितने परसेंट की ये भी आ सकता है, 10% की वृद्धि हो गई इनके स्टॉक में। इसके चलते ये दुनिया का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी है ये, जो एप्पल है सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सबसे मूल्यवान कंपनी, ठीक है। छठवां क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के में इतना ही आपके लिए।